सब्सक्राइब करो पंजाबी रील टीवी। ट्रेलवी नप दो। नप दो। हेलो जी, माय नेम इज निमित सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एज यूजुअल पंजाबी रील टीवी। सो गाइस, चैनल होने का लो सब्सक्राइब करोगे बाद जो तुसी भूल जाना, दिमाग थोड़े जाना निकल दिया जाए। जी वीडियो लेके आए हैं वह बड़ी ही कैंट होने वाली है, बिकॉज जो टॉपिक है वह बड़ा इंट्रस्टिंग है, तो एंड सारे लोगों को होंगे कि असं ये बारे जानिए। तो टॉपिक इज इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी बारे अगे भी आप 3-4 वीडियोज़ जीडिया अपने चैनल पर पा चुके हैं, तो वो वीडियोज़ तुम देख सकते हो अपने चैनल पर। जस्ट सर्च करो इल्यूमिनाटी पंजाबी रील टीवी, ठीक है, तुम्हें मिल जूगी। सो सबसक्राइब करता यार भाई, करो ना, उन्हें तुम्हें कहा था पहला, करो जल्दी सबसक्राइब कर दो, बैल आइकन भी प्रेस कर दो। सो द टाइटल इज़ रियलिटी ऑफ बिग बॉस रियलिटी टीवी शो एक्सप्लेन, ठीक है। सो उन्होंने क्लेम करता है कि वो अक् दिखती है, दैट्स वाई वो इल्यूमिनाटी है, बट होर की फैक्ट्स है वो अब आप वीडियो देखा। सो वीडियो करा शुरू, लाइट गैट स्टार्टड। अच्छा, ये जो साइन है मतलब इन्हों तो कन्फर्म्ड है कहते, ठीक है। गाइस, ओरिजिनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, मस्ट चेक। कि दुनिया के तमाम मसाइल, तमाम बैंक्स, मीडिया हाउसेस, पॉलिटिशियंस, फूड चेन्स, गैर सब हालात को दुनिया के चंद मखसूस अफराद ही कंट्रोल कर रहे हैं, जो शैतान की परस्तिश करते हैं और इल्यूमिनाटी कहलाते हैं। पहले इस तंजीम की तमाम सरगर्मियां खुफिया हुआ करती थीं, मगर अब इसे खुलम खुला लोगों को गुमराह करते हुए देखा जा सकता है, जिसका सबसे अहम हथियार टीवी मीडिया है, जिसका असर अब सरहदें फलांगता हुआ एशियाई ममालिक में भी दाखिल हो चुका है। वैसे तो इंडिया में इस वक्त बहुत से लोग इल्यूमिनाटी माइंड प्रोग्रामिंग के लिए काम कर रहे हैं, मगर इनमें से एक अहम तरीन नाम बिग बॉस रियलिटी टीवी शो का भी है। बिग बॉस एक बहुत ही मशहूर इंडियन रियलिटी टीवी शो है, बहुत टीआरपी होती है भाई। हर दूसरे शख्स ने कभी ना कभी जरूर देखा होगा, या कम से कम इसका नाम जरूर सुना होगा। इस शो का कॉन्सेप्ट डेनमार्क के एक मशहूर टीवी रियलिटी शो बिग ब्रदर से लिया गया है, जिसे जॉन डी मॉल नाम के एक शख्स ने सबसे पहले मुतारिफ करवाया। बिग बॉस को 2006 में पहली बार सोनी टीवी पर मुतारिफ करवाया गया, मगर बाद में इसकी ओनरशिप इंडिया के एक मशहूर टीवी चैनल कलर्स के पास चली गई, जहां अब तक इसके 11 सीजन हो चुके हैं। इस शो के पहले 3 सीजन अर्शद वारसी, शिल्पा शेट्टी और अमिताभ बच्चन ने होस्ट किए। दोस्तों, ये शो मुकम्मल तौर पर इल्यूमिनाटी माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। प्रोग्राम के जरिए अपने करोड़ों देखने वालों की सोचों को कंट्रोल करके शैतानियत को प्रमोट कर रहे हैं। लोगों की दौलत, शोहरत और सेक्स की ख्वाहिशात को बढ़ाना, इन्हें खुद गर्ज बनाना, इनकी अखलाकियात को तबाह करना और ना नजर आने वाली शैतानी ताकत का हुक्म मानने के लिए लोगों के दिमाग को तैयार करना इनका मकसद है। ये वीडियो हमारे बहुत से काबिल सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है, और मुझे बहुत खुशी होती है ये जानकर कि लोग अब खुद ही ऐसे शैतानी हथकंडों को पहचानने लगे हैं, और इनमें आहिस्ता आहिस्ता इन शैतानी ताकतों से मुतालिक शऊर पैदा हो रहा है। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा इनको एजुकेट करने की। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बातों तक महदूद रहने के बजाय ऐसे नाकाबले तरदीद सबूत पेश करेंगे जो इस प्रोग्राम की असल हकीकत को बयान करने के लिए काफी होंगे। दोस्तों, बिग बॉस को मशहूर करने के लिए देख लीजिए, हर साल मिर्च मसाला लगाकर एक नया स्कैंडल या कंट्रोवर्सी बनाई जाती है, ताकि लोगों की बातों में और गुफ्तगू में रहकर प्रोग्राम की रेटिंग और व्यूअरशिप को बढ़ाया जा सके। इस मकसद के लिए सलमान खान जैसे मशहूर फिल्म एक्टर्स की खिदमात भी ली जाती हैं। बिग बॉस के घर में रहने वाले अपने इल्यूमिनाटी का की रोल्स की भाई, जब पब्लिक स्टंट करते ही है लोग की प्रमोशन ले करना और लोगों को अपने फायदे के लिए खुद गर्ज होते हुए दिखाना यहाँ बिल्कुल मामूली बातें समझी जाती हैं, और लोग खुद को कूल दिखाने और कंजर्वेटिव ना कहलाने के डर से सब कुछ फॉलो करते हैं। और ये शैतान ही की तालीम है कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यानी कि तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो, तुम्हें किसी मजहब की तालीमात को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दर हकीकत कोई भी मजहब इस तरह की अखलाक सोच हरकतों की इजाज़त नहीं देता। इल्यूमिनाटी अपनी माइंड प्रोग्रामिंग मुख्तलिफ इशारों के जरिए लोगों के लाशऊर तक पहुंचाती है, यानी एक चीज़ को बार बार इतनी बार दिखाया जाता है कि वो लोगों के लिए बिल्कुल आम सी चीज़ हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं कलर्स टीवी के लोगों की तरफ, जिस पर यह प्रोग्राम नशर किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस लोगों में 3 कलर्स के पत्तों के लेयर्स मौजूद हैं, जो कि 666 यानी मार्क ऑफ द बीस्ट और शैतान के नंबर को शो करती हैं, जो इशारों की सूरत में मौजूद है और जाहिर करता है कि इस टीवी चैनल को इल्यूमिनाटी होल्ड करती है।
उसके अलावा इस शो को वोडाफोन नामी कंपनी स्पॉन्सर करती है, जो कि एक अलुमिनाती टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, जिसका सबूत इसके लोगों में मौजूद डिजिट्स 666 यानी मार्क ऑफ द बीस्ट या शैतानी नंबर की मौजूदगी है। बिग बॉस आजकल कलर टीवी पर नशर होता है और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों से एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है, जो कि वियाकॉम 18 नामी कंपनी करती है और यह भी वोडाफोन की तरह एक अलुमिनाती टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, क्योंकि इसके भी लोगों के आखिर में मौजूद नंबर 18 का मतलब 666 यानी शैतानी नंबर की जमा है, यानी कि 6+6+6 जो कि 18 बनता है। अच्छा दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शरायत होती हैं। मसलन कोई भी उम्मीदवार अपनी मर्जी से घर को नहीं छोड़ सकता, मगर फिर भी अगर कोई छोड़ना चाहे तो इसे 50 लाख रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इस शो का मशहूर सिंबल या इसकी पहचान शैतानी आंख, जो इल्यूमिनाती का सबसे मशहूर सिंबल है, बिग बॉस के हर पोस्टर और तकरीबन हर बैकग्राउंड पर दिखाई जाती है, जिसे ऑल सीइंग आई भी कहा जाता है, यानी सब कुछ देखने वाली आंख। इसे दिखाने का मकसद लोगों को ये सोचने पर मजबूर करना है कि ये तो बस एक आम सी चीज़ है, ताकि लोग इसे फैशन समझकर इसे अपनाना शुरू कर दें, क्योंकि इस शो के दौरान सलमान खान और दूसरे किरदार आपको इस आंख को बनाते और शैतानी सींग जैसे इशारे लातादाद मकामात पर बनाते नजर आएंगे। इस शो में छोटे छोटे स्टार्स को कास्ट किया जाता है, जबकि कुछ ऐसे लोगों को भी कास्ट किया जाता है जो आम लोग हों, मतलब कोई मशहूर शख्सियात ना हो। ये चीज होनी शुरू हुई था। अहम किरदार बिग बॉस है, जो इस घर में रहने वाले तमाम उम्मीदवारों को हिदायत जारी करता है और सबको इसका हुक्म हर सूरत मानना पड़ता है। इस किरदार की सिर्फ आवाज सुनाई देती है, मगर वो दिखाई नहीं देता, और यही इस प्रोग्राम की सबसे अहम माइंड प्रोग्रामिंग है, यानी एक ऐसे शख्स का हुक्म मानना जो नजर नहीं आता और दुनिया को कंट्रोल करता है। इसी के पास आपकी कामयाबी, नाकामी, हार जीत एक ही की मतलब है, क्योंकि दोनों मतलब निकल रहे हैं ऐसी चीजें। अगर इंसान के लाशौरी दिमाग में इसे महफूज कर देना है, ताकि लोग शैतान के हुक्म को फैशन समझकर अपनाएं और ये उनके लिए कोई नई चीज ना रहे, ताकि जब खुलम खुला इनका एक आंख वाला मसीह दजाल जाहिर हो तो ये सब लोग खुशी खुशी इसकी फौज का हिस्सा बन जाएं। उसके अलावा जो लोग बिग बॉस देखते हैं, इन्हें ये भी पता होगा कि सीजन 8 में इस शो में 3 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी, जिन्हें काले रंग के हुड पहनाए गए थे। ये वो लिबास है जो शैतान की परस्तिश के दौरान अलुमिनाती के लोग पहनते हैं, जबकि 3 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाने का मकसद शैतानी नंबर यानी 666 को दिखाना था, क्योंकि सिर्फ नंबर 6 इंसान का नंबर है, लिहाजा 6 नंबर वाले 3 इंसानों को दिखाना 666 यानी शैतानी नंबर या मार्क ऑफ द बीस्ट को शो करता है, जो यकीनन हादसाती तौर पर नहीं था। दोस्तों, इल्यूमिनाती किसी मजहब पर यकीन नहीं रखती सिवाय शैतानी परस्तिश के, और ये सिर्फ शैतान को ही खुदा मानते हैं, जो इन्हें हर तरह की कामयाबी, जन्नत और दोजख देने की ताकत रखता है। और बिल्कुल यही चीज़ बिग बॉस के सीजन 7 के दौरान ईडन गार्डन बनाकर दिखाया गया, यानी कि जन्नती मकाम। इसके अलावा जन्नत और जहन्नम भी बनाकर दिखाई गई, जिसमें हारने वाले उम्मीदवारों को दोजख और जीतने वाले उम्मीदवारों को इनकी बनाई गई जन्नत मिलती थी। बिग बॉस में एक खास कमरा मौजूद है, जिसे कन्फेशन रूम कहते हैं। इस कमरे के अंदर भी जन्नत और जहन्नम को बनाकर दिखाया गया है। यहाँ उम्मीदवार बिग बॉस यानी इस ना नजर आने वाली ताकत से बात करते हैं, जबकि इस कमरे के बैकग्राउंड पर आपको सिर्फ आंखें ही आंखें नजर आएंगी। इस तरह हर सीजन में नए इशारों के साथ ये लोग अपने इल्यूमिनाती माइंड प्रोग्रामिंग एजेंडे का हिस्सा होने का सबूत देते हैं। मसलन सीजन 4 में कन्फेशन रूम में नामुकम्मल पैरामिड या अहराम मिस्र बनाकर दिखाना। सीजन 7 के दौरान पूरे घर में इंटीरियर में एक आंख बनाई गई। सीजन 8 में सलमान खान का अपने हाथ से शैतान के सींग बनाना हो, या सीजन 9 में अपने हाथ से 666 का निशान बनाना हो, या एक लड़की को फैश और बेहुदा डांस करते हुए दिखाना हो, ये सब कुछ यकीनन हादसाती तौर पर नहीं है और एक खास मकसद के तहत है, और वो है आपके दिमाग को कंट्रोल करके अपनी शैतानी तालीम देना। क्योंकि आजकल लोगों ने सोचने और रिसर्च करने के बजाय अपना दिमाग टीवी और मीडिया के हवाले कर दिया है। अगर आपको भी कभी ये प्रोग्राम देखने का इत्तफाक हो, तो यहाँ होने वाले झगड़ों और ऐसे मौजूआत पर बहस जिनसे आप में आज़ाद ख्याली और दीन से बेजारगी को बढ़ाया जा सके, यही सब तालीम आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब यहाँ बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि क्या इस प्रोग्राम को होस्ट करने वाले या इसमें हिस्सा लेने वाले सब के सब लोग इल्यूमिनाती का हिस्सा हैं? इसका जवाब है हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये लोग पैसा कमाने और मशहूर होने के लिए मजबूर होकर इनका हिस्सा बनते हैं और एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, ये सब वो शैतानी तालीम है जो टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए आपको दी जा रही है।
अब आपका फर्ज है कि आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सब लोग इसकी हकीकत। ओके सो ये सी अज दी वीडियो ते वीडियो दे विच आपां देखिया सारी इन्हां दीआं दलीलां सुनियां मतलब की आ क्योंकि हर बंदे दी अपनी अपनी ओपीनियन हुंदी आ सो आपां इन्हां दी गल भी सुनी आ। सो जिहड़ा बिग बॉस की गल है यार बिग बॉस एक जो जो कॉन्सैप्ट है कॉन्सैप्ट ही है कि एक एक आवाज़ आएगी तो वह रूल जोड़े उन्हें बनाए है वह फॉलो करने क्योंकि वह कॉन्ट्रैक्ट ही उन्होंने उदा बनाया वा लाइक जी मैंने दसा कि बिग ब्रदर एक जो शो आता वह एक कॉन्सैप्ट लैके बिग बॉस बनाया गया शायद प्रोड्यूसर्स भी सेम ही आते मतलब जे जिमें कहते ना सिक्के दे दो पहलू आप दोनों चीज़ा भी यदा दूजा मतलब कढ़िया गया जो इलूमीनाटी नाल इहनू रिलेट किया जा रहा जेकर यह गल्लां हुण जिवें सुनियां तो हाँ लग भी रहा कि हाँ भी ये चीज़ हो सकती है बट दूजे पासे देख सकते हैं कि शायद एक इंसीडेंट भी हो सकता क्योंकि अख का मतलब इन्होंने यही बनाया क्योंकि उस घर दे विच किन्ने सौ तो भी ज़्यादा कैमरे लगे होंगे है कि वह हर एक मूवमेंट पर नज़र रखते हैं। सो तो वह अख उन्हों का लोगो इस करके है कि भी जो भी घर में हलचल होनी है वह अख ने मतलब देख लेनी है। सो जो इलूमीनाटी का कॉन्सैप्ट है वह इन्होंने उस आई नाल जोड़ लिया जिहड़ी आई इलूमीनाटी लई यूज़ की जाती है एंड जिहड़ी सिंबल्स की गल कर रही है कर रहे हैं उन्होंने यार नो कमेंट्स उन्होंने आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप दलील दे सकते हैं आपकी राय दे सकते हैं पर आप इन कन्फर्म नहीं कर सकते भी हाँ भी ये वाकई है क्योंकि अपने कोई सबूत नहीं है। ठीक है सो आप कोई कन्फर्म नहीं कह सकते कि बिग बॉस वाकई इलूमीनाटी है पर जोड़े सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ उही किए जा रहे हैं जोड़े इलूमीनाटी होंगे एंड जे इन्हें व्डे लैवल पर कर रहे हैं तो इनू यार मतलब कोई कोई ज़्यादा कोई इंसीडेंट भी नहीं हो सकता बिकॉज इस वीडियो के उन्हें सारे सीजन के जो जो होया वो चीज़ा इन्होंने दसियाँ एंड कई जने मानते हैं कि इलूमीनाटी है कई जने मानते हैं नहीं है तो बाकी जो कॉन्सैप्ट है यह हुण पता नहीं कि दुनिया में अगे कोई अगले 50 साल तक ज अगले 20-30 साल तक की होएगा है ना। सो जेकर तो यह सच आ तो फिर तो समझ लो भी रब ही राखा है ना तो जे नहीं सच तो फिर आप जिंदगी जिवें चली जाती उदा कट्टी जावांगे। ठीक है जी सो बाकी तुहाडी की राय है यार तुहानू की लगता कि ये चीज़ की है भी ये जस्ट अ कोइंसिडेंट और एक्चुअल विच सच्ची यही जो इलूमीनाटी का हिस्सा। ठीक है ये नीचे कमेंट करके मैंने जरूर दस्यो होप सो तुहानू अज्ज दी वीडियो वधिया लगी होनी है बाकी जिदा भी लगी सानू दस्यो तो वीडियो में लाइक शेयर कमेंट जरूर करो चैनल अपना सबसक्राइब हुणे कर दो यार जरूर भुल जाओगे मैं तुहानू शुरू तो भी कहा कर दो पक्का तो पंजाबी रियल टीवी इंस्टाग्राम का अकाउंट है फॉलो करना ना भुल्यो तो मैं मिलूंगा तुहानू किसी होर वीडियो तद तक लिए मैंने दो इजाजत सत श्री अकाल ते चक्की रखो इदां ही कम।